ने हमें दिया है और दिल्ली में हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, लेकिन मुझे सामने जब कम उपस्थिति नज़र आती है तो मैं यही सोच कर रह जाता हूँ कि लगभग यही राजस्थानी का भाग्य रहा। बहरहाल कोई भी एक भी गुणी आदमी अगर हमारी दर्द को, हमारी पीड़ा को सुन लेगा और अगर वो भी हमारे साथ खड़ा होता है तो हमारे आंदोलन को, हमारी मांग को एक बल मिलेगा। अभी आपने पिछला सत्र अगर आपने सुना तो उसमें दो बातें प्रमुखता से कही गई और एक बात जो बार बार कही गई कि डाइंग लैंग्वेजेस और लिविंग लैंग्वेजेस, मर रही भाषाएं और जो जीवित भाषाएं हैं वो। देखिए अव्वल इसमें दो बातें कहना चाहता हूं। जब प्रसिद्ध शायर इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 500 साल तक हमारे यहां पर जो सत्ता के की जो भाषा थी वो हमारी भाषा से बिल्कुल ही अलग थी, वो फारसी रही, वो अलग अलग जबानें रहीं। 200 साल तक अंग्रेजी हमारी सत्ता की भाषा रही। लेकिन क्या कारण है कि तब तक इन 700 सालों में राजस्थानी मरी नहीं? इसलिए ये कहना कि कुछ भाषाएं मरने के कगार पर हैं, ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा निर्णय लगता है मुझे इन दिनों। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कई भाषाएं, जैसे पिछले सत्र में एक हमारे साथी ने कहा भी था, वो नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने ये कहा भी था कि किस तरह से भाषाएं होते हुए भी उन्हें कैसे जबरन मारा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कई भाषाएं, जैसे पिछले सत्र में एक हमारे साथी ने कहा भी था, वो नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने ये कहा भी था कि किस तरह से भाषाएं होते हुए भी उन्हें कैसे जबरन मारा जाता है। मैं ये कहता हूं कि अब वो उस तरह से मारने की दरकार नहीं रही राजस्थानी के साथ। राजस्थानी को विस्थापित कर दिया गया। आप एक पेड़ को, कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं कि यहाँ से उखाड़ कर करके आप कहीं पर भी फेंक दें वो लग जाते हैं। मेरी भाषा लगभग वैसी ही है, उसके लिए खड्डा खोद कर कर करके उसे रोपा नहीं गया, दूसरी जगह ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, उसको अपनी जगह से उखाड़ कर करके फेंक दिया गया। और ये ताकत है उस लोक जवान में, ये ताकत है उस राजस्थानी की कि वो अब तलक, जिसके पास 1200 वर्षों का कविता की परंपरा है और आधुनिक भारतीय भाषाओं में मैं बहुत विनम्र दावे से कह सकता हूँ कि 400 वर्ष पहले जितना टकसाली गद्य मेरी भाषा में मिलता है, संभवतः भारतीय जो आधुनिक भाषाएं हैं 24 भाषाओं में, उनमें इतना टकसाली गद्य उस समय तक देखने में नहीं आता। तो सवाल ये है कि आज़ादी के बाद होना यही था कि 1956 तक जब सारे के सारे प्रांत बने, उन सारे के सारे प्रांतों का बनने का आधार यदि भाषाई आधार था तो वो क्या कारण था कि जब राजस्थान बनाया गया तब इस भाषाई आधार को की अनदेखी की गई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाषाएं न भी मरें, भाषाओं को विस्थापित कर दिया जाता है। और सौभाग्य की बात है कि पिछले दिनों ही अभी अभी 2011 के जनगणना के आंकड़े आए हैं। मित्रों, आपको सुनकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा और इसीलिए हम में ये ताकत है कि ये लाख हवाएं बुरी तरह से चलें, विपक्ष में चलें, ये भाषा मर नहीं सकती। और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण, हम केंद्र सरकार या किसी भी सरकार से भाषा क्या मांगें, जिस 2011 के जनगणना के आंकड़ों में राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है, उस 7 करोड़ में से 4,86,86,000+ ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2011 में राजस्थानी को अपनी मातृ जबान कहा है, मातृभाषा कहा है, माँ बोली कही है। और इसलिए सवाल ये है कि भाषा मर नहीं रही है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे विस्थापित कर रहे हैं। और यह जो विस्थापन है, ये विस्थापन घर से नहीं है, जिस तरह से पहले सत्र में कहा गया कि भाषा जो अपने घरों में नहीं बोली जाती, अगर ऐसा नहीं होता तो ये आंकड़े अब तक बोलते नहीं। और मैं तो इस बात के लिए कई बार खुद को, पहले अपने आप पर बड़ा शर्म महसूस करता था कि राजस्थानी में शिक्षा का स्तर नहीं है, आज़ादी के बाद सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से था, जहाँ पढ़ाने वाले भी यूपी या महाराष्ट्र से आए और इलाज करने वाले कलकत्ता से आते रहे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वही अशिक्षित लोगों ने
अपनी भाषा को विपरीत परिस्थितियों में जिलाए रखा, जैसा पिछले सत्र में आदिवासी भाषा के संदर्भ में हमारे मित्र पंकज जी कह रहे थे। तो सवाल यह है कि अब दूसरा सवाल आपका कि भाषा की क्या ज़रूरत है। चंद्रप्रकाश देवल को भाषा की ज़रूरत नहीं है उन अर्थों में, और उन अर्थों में राजस्थानी के वे लोग जो 4,86,000 लोग हैं उनको भाषा की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी सत्ता किसी भी आदमी को कोई भाषा दे ही नहीं सकती। ऐसा कोई मंजूसा सरकार के पास नहीं रखा है कि हम भाषा मांगे और वो ली जा सकती है ना दी जा सकती है, ये तो कमाई जाती है, और ये कमाई हमारे उन अशिक्षित भाइयों के कारण से हुई है। इसलिए हम हमारी भाषा नहीं, हम हमारी भाषा की संवैधानिक स्वीकृति चाहती, और उस स्वीकृति के की अनुपस्थिति में जो संकट पिछले एक सत्र में ये भी कहा गया कि यदि मातृभाषाएं अगर हमारे शिक्षा का माध्यम ना हो तो उस भाषा के साथ उसके भाषा वो मरणशीला हो जाती है। मैं तो पूछता हूँ आपके सामने, ज्वलंत उदाहरण है, 66 साल हो गए आज़ादी को, और उससे पहले इतने साल तक दूसरी भाषाओं का राजस्थान पर राज रहा, क्या कारण था कि वो भाषा आज भी जीवित है। इसलिए भाषा तो जीवित रहेगी, उसको स्वीकार करने की दरकार है, उसे स्वीकार्यता चाहिए, और वह स्वीकार्यता नहीं होने से न तो आप विकास के साथ न्याय कर सकते हैं, न आप संस्कृति के साथ न्याय कर सकते हैं, न आपकी रुचि विकास में है, न संस्कृति में है, न शिक्षा के बढ़ोतरी में है। पिछले सत्र में कहा गया, वो प्रोफेसर अब भी कह रही थी कि झारखंड की उन भाषाओं से आकर कर करके हमने ये ले लिया, ये जो देने की ताकत है ये उन्हीं भाषाओं में होती है जो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई भाषाएं होती हैं। सवाल ये है कि आप उन्हें अनदेखा न करें। क्या ज़रूरत थी राजस्थान का नाम राजस्थान रखने के बाद यदि सारे प्रांतों को अपनी भाषा दे दी गई? राजस्थान ने ऐसा कौन सा कसूर किया था कि हमें हमारी भाषा से च्युत किया गया, हमें हमारी भाषा से विस्थापित किया गया? हम तो फिर भी हैं, हम वो अमीबा हैं जो इस तरह से मरेंगे नहीं, क्योंकि ये जीवट वाली ज़मीन है और हम हमारी भाषा को जीवित रखना जानते हैं। अगर बरसात के कम होने पर जो अकाल से बराबर बराबर पीड़ित रहने वाला राजस्थान अपने कांटेली झाड़ियों को उगाने की अपनी एरिड जोन में भी जो ताकत रखता है, वो कि वो ताकत हमारी भाषा को जिंदा और जीवित बनाए रखने के लिए वो राजस्थान रखता है। तो यह जो विस्थापन है उसको संविधान की नहीं स्वीकार्यता है, उसके कई एक कारण हैं, और मतलब उसके कई एक ऐसे रिजल्ट आए हैं कि वो रिजल्ट इस आधुनिक किसी भी आधुनिक गणतंत्र में ये कोई शोभा देने वाली चीज़ें नहीं है। एक अच्छे लोकतंत्र का मानी ये होता है कि यदि कोई एक एथनिक ग्रुप, यदि 100 आदमियों का भी एक एथनिक ग्रुप है जिनकी अपनी अलग वेशभूषा है, अपनी अलग भाषा है, अलग रीति रिवाज है, अलग उनके खान पान है, तो उस लोकतंत्र की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस एक छोटे से नृशास्त्रीय नृसमूह की सारी की सारी कल्चरल या उसकी जो सांस्कृतिक अस्मिता है उसकी रक्षा की जाए। हमारे जो राजनीतिक जो लोग निर्णय लेने के लिए सक्षम थे उन लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर या कि नहीं, ये अब सब अपने आप को मन को भरमाने के बहाने कि हमने उनके लिए देश की एकता के लिए हमने एक त्याग किया, और हम ये सोच रहे थे कि हमारे त्याग का वापस हमें बहुत जल्दी रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो दुर्भाग्य से 66 साल होने के बाद में भी नहीं मिल पाए। मैं अपनी बात को रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहना चाहता हूँ ताकि आप उसका जो सारा का सारा मर्म है वो आप इस बात से समझ जाएं। रविंद्रनाथ कहते हैं कि शेर की खाल, लॉइन की खाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुनहरी है और बहुत सुंदर है, बड़ी पवित्र है, उससे मैं अपने घर की बैठक सजा सकता हूँ, या अधिक से अधिक उसके लिए मैं अपना जो पूजा का जो आसन होता है पवित्र के रूप में, उस छाला के रूप में वो बना सकता हूँ, लेकिन उसके साथ अपनी त्वचा की अदला बदली नहीं कर सकता। तो किसी भी भाषा को आप, भाषा ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको रिप्लेस कर 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 करके दूसरी जगह पर वो डाल दें। आप उस भाषा को, ये जो कुछ भी जिस स्वरूप में भी वो जीवित है, आप उसे मानिए तो सही कि ये जीवित है। धन्यवाद, दैट्स ऑल। बाकी मैं बातें तो और भी समय समय पर करूंगा आपसे। देव साहब, एक
शायद राजस्थान का एक विरल उदाहरण है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मातृभाषा की अवधारणा क्या होती है। इससे किसी प्रांत का शिक्षा मंत्री ही अपरिचित हो, ये शायद एक विरल उदाहरण है इस देश में। पिछले दिनों जब शिक्षा का अधिकार लागू हुआ तो हमारे प्रदेश के अखबारों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी कि भाई राजस्थानी को प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के रूप में बढ़ता जाए और न बढ़ता जाए, हिंदी का क्या है। तो ये सारी बहस छिड़ी, तो उस बहस के दौरान हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का बयान आया कि ये सब बहस फालतू है और फिलहाल राजस्थान की मातृभाषा हिंदी है। फिलहाल, ये उनके शब्द थे। क्या मातृभाषाएं भी फिलहाल होती है? ऐसा वही कर सकता है कि जो जिस त्रासदी का मैंने जिक्र किया कि कैसे हमारे लोग ही अपनी ही परंपरा और अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के साहित्य की परंपरा से भी, अपनी भाषा की संस्कृति की परंपरा से भी विच्छिन्न हो गए। मैं डॉक्टर अर्जुन देव चारण आपसे जानना चाहूँगा कि राजस्थानी साहित्य का समकालीन परिदृश्य और उसका उसकी परंपरा के साथ क्या रिश्ता बनता है। एक तो परिदृश्य क्या है, हम जब भारतीय भाषाओं के संदर्भ में देखते हैं, आप साहित्य अकादमी में राजस्थानी परामर्श मंडल के संयोजक भी हैं, तो डॉक्टर चारण मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये राजस्थानी समकालीन साहित्य का परिदृश्य एक तो आप बताएं और उसका अपनी परंपरा से क्या कैसा रिश्ता बनता है। राजस्थानी का जो आधुनिक साहित्यिक परिवेश है वो जिस परंपरा को लेके खड़ा होता है वो परंपरा कई मायनों में साहित्य की जो अन्य भारतीय परंपराएं हैं उनसे भिन्न है। सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे ये समझा जा सके कि राजस्थानी की जो काव्य परंपरा है वो कैसे अन्य भारतीय भाषाओं की से भिन्न हो जाती है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में धरती को माँ की संज्ञा दी गई है, धरती माता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरा का पूरा मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य धरती को प्रेमिका या पत्नी मानता है। एक बिल्कुल ही जुदा दृष्टिकोण राजस्थानी साहित्य में आपको देखने को मिलता है और इसलिए धरती की रक्षा वहाँ सबसे बड़ा गुण माना गया है, वैल्यू मानी गई है। आपने कई बार ये वाक्य सुना होगा, वीर भोग्या वसुंधरा। भोगता कौन है? माँ को तो नहीं भोगा जाता, हम अक्सर धरती माता कहते हैं लेकिन उसके साथ वीर भोग्या वसुंधरा कह देते हैं। हम एक क्षण को भी ये रुक कर नहीं सोचते कि हम ठीक उलट बात कह रहे हैं। राजस्थानी में ये धारणा है, जे ठाकुर भोगे जमी और किसो अपनाए, घोड़ा घर ढाला पटल निभाला थंब बनाए। ये वहां की जीवटता आधुनिक साहित्य में, वो वहां का रचनाकार उस जीवटता को ही आगे संप्रेषित करता है। हमारा पूरा का पूरा साहित्य युद्ध का साहित्य रहा, लेकिन 1972 में एक ऐसा कवि आता है जो युद्ध के विरोध की बात कहता है, पूरी परंपरा को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करता है, सत्यप्रकाश जोशी, और राधा के माध्यम से कृष्ण को युद्ध न करने की बात कहता है। ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि जिस कृष्ण को पूरा भारतीय समाज नायक मान रहा है उसको एक स्त्री ये सलाह दे रही है कि तू रुक जा, तेरे रुकने से युद्ध रुक जाएगा, मुड़ जा फौजा ने पाछी मोड़ ले। वहाँ एक स्त्री, ये कवि का वैशिष्ट्य है,
कि एक स्त्री के माध्यम से युद्ध की निरर्थकता को प्रतिष्ठा दे रहा है। तो राजस्थानी का ये जो रचना संसार है, आधुनिक रचना संसार, आजादी के 64 साल बाद भी तमाम व्यवस्थाओं के विरोध के बावजूद खड़ा है अडिग। हमें तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि जिस दिन हमें आजादी दी गई उस दिन हमसे हमारी जबान छीन ली गई। ये ठीक वैसी ही बात है कि किसी आदमी से कहा जाए आज से तुम स्वतंत्र हो लेकिन उसकी जबान काट दी जाए। क्या मायने हैं इस स्वतंत्रता के? हम 64 साल से ये मांग लगातार कर रहे हैं और हमारी इस मांग को राष्ट्रीयता के विरुद्ध देखा जा रहा है कोई भी आदमी, क्योंकि 64 साल से एक झूठ लगातार हमारे सामने बोला गया और पूरी की पूरी नई पीढ़ी उस झूठ के साथ खड़ी है, सच मान के कि हिंदी सबसे समृद्ध भाषा है। कोई ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि जिस हिंदी को 1947 में स्थापित किया गया उसने अपने समय की तमाम महत्वपूर्ण भाषाओं को नष्ट कर दिया। और आज पिछली गोष्ठी में मैं सुन रहा था एक वक्ता कहता है ये हिंदी का बड़प्पन है। हमें ऐसा बड़प्पन नहीं चाहिए। जिस हिंदी ने हमारी ताकत लेके अपने पांव मजबूत किए वो हम पे कृपा बरसा रहा है। अवधि, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सारी उत्तर भारत की भाषाएं थी जो अपने समय की समृद्ध भाषाएं थी और षड्यंत्र पूर्वक नष्ट किया गया है। और आज जब हम अपनी संवैधानिक मान्यता की बात करते हैं तो हम पे गद्दार होने का आरोप लगाया जाता है। पीड़ा ये है, एक आजाद हिंदुस्तान में एक आजाद हिंदुस्तान का नागरिक जब अपनी भाषा लेने की बात करता है तो उसे कहा जाता है तू गद्दार है क्योंकि तू संकीर्ण मनोवृत्ति का है। ऐसा लगता है जैसे राजस्थानी को मान्यता देते हिंदुस्तान टूट जाएगा। जब 18 भाषाओं को मान्यता दी और हिंदुस्तान बना रहा 22, उसके बाद 4 भाषाएं और जुड़ गई। आज भी भोजपुरी और राजस्थानी पिछले 65 साल से संघर्षरत हैं कि हमें अपनी मान्यता तो दें संविधान की, तो हम पे यह आरोप लगाया जाता है। समन्वय का हम तो आभार मानते हैं कि कम से कम हमको उन्होंने यहां अपनी बात कहने का अवसर दिया। भाषाएं जोड़ती है, जुड़ती भी है, लेकिन राजस्थानी की इस पीड़ा को कौन समझेगा? एक समृद्ध भाषा होते हुए भी, 1000 साल का जिसका इतिहास है, अपना बड़ा शब्दकोश है, व्याकरण है, असंख्य रचनाकार हैं, आज भी लिख रहे हैं जैसा देवल साहब ने कहा, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में भी सैकड़ों पुस्तकें प्रतिवर्ष राजस्थानी में छप के आती है और अपने पाठकों तक पहुंचती है। समकालीन जो परिदृश्य है वो दूसरी भाषाओं जैसा नहीं है जिसके लिए कहा जा सकता है कि मृत होती भाषाएं हैं। राजस्थानी में प्रतिवर्ष पुस्तकें छपने का की जो संख्या है वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जा रही है। ये संकेत है कि आम जन जो है वो उस भाषा के साथ अपना जुड़ाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो राजस्थानी के समकालीन परिदृश्य को, क्योंकि भाषा को खत्म करना है, जो काम एक समय में मेघालय ने किया आजाद हिंदुस्तान में हमारे साथ हमारी व्यवस्था वही काम कर रही है। इसलिए जरूरी यह है कि न सिर्फ राजस्थानी, वो तमाम भाषाएं जो अपने अपने प्रदेशों में आज भी विपरीत परिस्थिति में सृजन कर रही है, उन सबको संविधान की मान्यता मिलनी चाहिए जिससे भारत और प्रगति करेगा, हिंदी और आगे बढ़ेगी। अगर हिंदी इन सब पे महारानी बन के इनको अपनी दासियां बना के, जैसा कि उसने किया कि उसने कहा ये मेरी सब बोलियां हैं, 1947 से पहले आप मुझे कोई एक लोकगीत किसी प्रदेश का हिंदी में बता दीजिए, अगर हिंदी कहीं होती तो निश्चित रूप से वो लोक में होती।
जिस खड़ी बोली को हिंदी कह के बाद में ये सारा विस्तार दिया गया, वो आज की हिंदी नहीं है। इसलिए हिंदी को भी ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा, अन्यथा अपना ही अहित करेगी। क्योंकि हिंदी को जहां केंद्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए था, वहां अंग्रेजी बैठी है, और हिंदी स्वयं अपने लिए दोयम दर्जे का स्थान तलाश कर रही है, वो प्रादेशिक भाषाओं का हक मार रही है। तो हिंदी को ये बात समझनी चाहिए कि वो प्रादेशिक भाषाओं को अपनी प्रतिष्ठा दे। माइक प्रादेशिक नीचे पड़ गया। चलो दूसरा सवाल। आ गया। अब बोलना जारी रखो, वो ले लो माइक, ले लो वो माइक, ले लो वो दूसरा, ले लीजिए ये, ले लीजिए। हमारे पास आज कहानी में विजयदान देथा जैसे कथाकार हैं, जिनके अपने 14 कथा संकलन पूरे विश्व में चर्चित हैं, और ऐसे एक नहीं। ये उदाहरण तो मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिससे यहाँ के तमाम लोग उस नाम से परिचित हैं, लेकिन ऐसे अनेक रचनाकार राजस्थानी में सक्रिय हैं और अपनी उपस्थिति से उस भाषा को जीवंतता प्रदान कर रहे हैं। शुक्रिया अर्जुन देव जी, भाषा की चिंता में आपने अपने जीवन को एक तरह से खपाया है। आप इस एक तो इस बात को ही कैसे देखते हैं कि ये क्या संयोग है कि प्रवासियों ने ही सबसे पहले इसको क्यों जरूरी समझा इसको, और दूसरी कुछ बातें हैं कि आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, जहाँ पिछले दिनों एक फिल्म आई थी भूतेर भविष्य, जिसमें एक राजस्थानी आदमी का कॉरपोरेट करेक्टर है, जिसको इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि जैसे वो किसी कल्चर को बिलोंग नहीं करता, किसी लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता, और टोटली वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं धन पिशाच है, और इससे वहाँ का राजस्थानी समाज व्यापक पैमाने पर आहत हुआ था और प्रतिक्रियाएं भी हुई थी। तो ऐसे में आप इन सारे प्रश्नों को लेते हुए क्या कहना चाहते? अभी राजस्थानी की क्या स्थिति है और किस तरह का साहित्य लेखन राजस्थान की धरती पे हो रहा है, उसके बारे में देवल जी ने और अर्जुन देव जी ने आपके समक्ष बातें रखी। मित्रों, मालचंद जी ने प्रश्न किया, अभी एक रिफर किया इन्होंने एक पिक्चर का नाम। मैं जैसा इन्होंने कहा कि मैं कोई कहानी लेखक नहीं हूं, मैं कोई उपन्यास लेखक नहीं हूं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जब असूल हम ज्योतिब की मेरे दागिस्तान किताब को पढ़ा, तो मित्रों असूल हम ज्योतिब लिखता है कि भाषा एक घोड़ा है, उस पर आम आदमी बैठ के जाता है। व्याकरणचार्यों ने, भाषा शास्त्रियों ने उस पर लगाम और वो कस करके आम आदमी को नीचे डाल दिया। यानी भाषा का प्रश्न केवल साहित्यकारों तक सीमित में नहीं रखना मानता, भाषा का प्रश्न आम आदमी से जुड़ा है। अभी जो ये प्रश्न उन्होंने किया कि एक ऐसा पिक्चर निकला था, मित्रों पिक्चर में तो किसी भी आदमी ने बनाया होगा, बंगाल का टॉप इंटेलेक्चुअल समर सेन, फ्रंटियर के एडिटर, और चूंकि मेरा लेफ्ट मूवमेंट से अटैचमेंट था, यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट था, इन वन ऑफ द आर्टिकल ही रिटर्न की मारवाड़ीज आर अनसिविलाइज्ड। इट स्ट्रक टू मी, आई टॉक विद हिम, सर मारवाड़ी मैं भी हूं, ये अनसिविलाइज्ड कैसे मारवाड़ी?
उसने कहा रतन तुम बताओ सिविलाइज किसको बोलते हैं, सिविलाइज किसको बोलते हैं। मैंने कहा सर आपके सामने हम क्या बताएंगे, आप बताइए। ही टोल्ड मी कि कोई भी कम्युनिटी जिसका लिटरेचर है, लैंग्वेज है, कल्चर है, घरों में पेंटिंग है, वो सिविलाइज कम्युनिटी है। जिसका लैंग्वेज खुद का नहीं है, लिटरेचर नहीं है, कल्चर आप अपने बंगाल के अंदर जब भी देखते हैं केवल आपके यहाँ पैसे के अलावा कोई बात नहीं होती है, यदि हम लोग ये सोचते हैं। देन इट स्टक टू मी इट माई स्टूडेंट लाइफ और आई रिफर्ड ऑल द एनसाइक्लोपीडियाज कि वेदर राजस्थानी जो लैंग्वेज और नॉट 56 के पहले के सब एनसाइक्लोपीडियाज राजस्थानी को लैंग्वेज मानते थे, उसके बाद के लोग जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मानना बंद कर दिया। तो आई स्टार्टेड द मूवमेंट इन 60 राजस्थानी भाषा को। मित्रों एक और बात है, इन्होंने एक प्रश्न किया था लैंग्वेज क्यों जरूरी है। लैंग्वेज के लिए हम इतने उत्सुक क्यों है। मित्रों मेरी मान्यता, आई रिफर टू नोम चॉम्स्की। आप लोग यहां बैठे हैं, मैं कुछ एक बात रिफर करना चाहता हूं कि हर कम्युनिटी में कुछ जातीय गुण होते हैं। मारवाड़ी रिफर किए जाते हैं कि दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से ताल्लुक। तो दी क्वेश्चन इज कि जो हर कम्युनिटी में गुण है, ये मारवाड़ी एंटरप्रेन्योरशिप है, ये वीर है, ये दानवीर है, ये 5-4 एट्रीब्यूट जो मारवाड़ी कम्युनिटी के हैं, ये कहां से आए। एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, कैन नॉट बी इंपोर्टेड, जस्ट रेवोल्यूशन कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, कैन नॉट बी इंपोर्टेड, इट हैज टू कम इन द ब्लड फ्रॉम वेयर इट केम। आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि 5-7 वर्ष तक के बच्चे के घर में जो दादी और नानी जो चक्की पीसते, दही बिलोते, लोकगीत गाती थी, वो उनके संस्कारों में पड़ जाती है। हमने कानों में सुना था कि जननी जने तो दो जने, के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी, मता गवाजे नूर। तो जिन बच्चे के कानों में इस तरह की बात पड़ती थी, ये कहां से पड़ती थी। इंग्लिश में नहीं पढ़ सकती, हिंदी में नहीं पढ़ सकती। तो इस तरह की विरासत को खो देना बांगड़ियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। इसलिए प्रवास में यह आंदोलन चालू किया गया। इन्होंने रिफर किया 1936 में रामदेव जी चौखानी ने सूर्यमल मिशन उदयपुर में भाषण दिया था, 1944 में ये हुआ। उसके बाद अनवरत काम हो रहे हैं। यही नहीं, बंगाल में ही नहीं, राणा राजस्थानियों की अमेरिका में सबसे बड़ी फिनिशिंग, नहीं मैं आपके लिए नहीं देख रहा हूँ राजस्थानियों की सबसे बड़ी संस्था न्यूयॉर्क में राणा है, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 7 साल पहले उन्होंने, वो हर 3 साल से अधिवेशन करते हैं और हर साल उस समय का मुख्यमंत्री जो राजस्थान का होता है वो न्यूयॉर्क जाता है, इसलिए कहने के लिए कि हमारे यहाँ पैसे भेज दो। हर 3 साल से होता है वो। 5वें परहप्स गहलोत जी 5वें थे ना लास्ट, ना 5वें जब अधिवेशन हुआ राजस्थानी राणा का, तो उन्होंने एक ही बात थी, क्योंकि कुछ लड़के उस समय राजस्थानी के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम एक ही प्रश्न रखते हैं मुख्यमंत्री के सामने कि हम जो इकट्ठे हैं आज अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बात की कि अपन कौन कौन लोग इकट्ठे हो रहे हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अस। तो उनको इस एक ही बात समझ में आई कि कॉमन ये कि अपन सब लोग राजस्थानी है, राजस्थानी बोलते हैं। राजस्थानी क्या है, आपके जन्म के मरण के संस्कार और लोक संस्कार राजस्थानी, राजस्थानी भाषा है। तो उन्होंने पूरा अधिवेशन राजस्थानी में किया, राजस्थानी वेशभूषा में थे और मुख्यमंत्री से, क्योंकि ऊपर पड़े हुए नगारे की आवाज़ जोर से पहुंचती है, हम 10 दफा बोलते हैं तो भी राजस्थान गवर्नमेंट के कान नहीं खुलते हैं, लेकिन अमेरिका में मुख्यमंत्री गहलोत को कहा गया कि हम आपको एक रेजुलेशन पास करेंगे। ही टोल्ड डोंट पास रेजुलेशन इन माई प्रेजेंस, यू सिंपली गिव इस मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम वॉज गिवन कि राजस्थान शुड बी रिकॉग्नाइज। और कहना नहीं चाहिए, स्थिति तो मजबूत, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंडीशन दोनों राइप होती है तभी कोई फल निकलता है। राजस्थान में मूवमेंट चल रहा था, अशोक गहलोत ने स्वीकार कर करके केंद्र सरकार को भेजा
कि इसे केंद्रीय मान्यता दी जाए। इस तरह से ये कुछ बातें हैं जिसको प्रवास वाला ये महसूस करता है। और जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ पर पता चलता है बंगाल में भाषा का क्या महत्व है। हमने सुनीति बाबू को सुना, निहार रंजन रे को सुना, उनको हम जब बुलाते थे वो लोग कहते थे कि हमें अचंभा आता है कि राजस्थानी जैसी लैंग्वेज, यानी वो लोग, निहार रंजन रे का स्पीच है मेरे पास, हमने उनको बुलाया, वो कहने लगे कि पूरा बंगाल का जितना भी लिटरेचर है वो तो 80% राजस्थान की गाथाएं सुन करके बड़ा हुआ है। हमें तो अफसोस ये है, आप जैसे लोग, हम लोग आपकी लड़ाई कब तक लड़ेंगे। और मुझे तो ये कहने में भी कहीं संकोच नहीं है कि लड़ाई कैसे लड़ी हो, जब सुनीति बाबू केंद्रीय साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने राजस्थानी को मान्यता दी। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ समन्वय का और आप लोगों का। क्या धन्यवाद शुक्रिया रतन जी। राम कुमार सिंह जी ने राजस्थानी को फिल्म के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया। इनकी कथा पर आधारित बोबर फिल्म पूरी दुनिया में सराही गई और राजस्थानी भाषा के नाटकों को जिस तरह से हमारे रंग निर्देशकों ने, अर्जुन देव जी ने और दूसरे रंग निर्देशकों ने एक सक्षम मीडियम की तरह इस्तेमाल किया, वैसे अपनी कहानी के माध्यम से और उसके फिल्मांकन के माध्यम से राम कुमार सिंह जी ने बहुत बड़ा काम भाषा के लिए किया। तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि दोनों ही भाषाएं एक जैसी परिस्थिति में है, भोजपुरी और राजस्थानी। भोजपुरी का सिनेमा आज जिस मकाम पर है उससे आप सब लोग, पूरा देश वाकिफ है, न केवल भोजपुर के, भोजपुरी भाषा के इलाके में बल्कि पूरे देश में भोजपुरी फिल्में देखी जाती है और उसमें भी स्टार बनने लग गए हैं, अमिताभ बच्चन इंट्रोड्यूस करते हैं उनको। तो इस परिदृश्य में राजस्थानी सिनेमा के मूवमेंट को और इसको, इस मूवमेंट का क्या क्या योगदान लैंग्वेज के प्रमोशन के क्षेत्र में हो सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज आप देखें? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली हम लोग जब फिल्म शुरू कर रहे थे तो हमने मूलतः पूरी स्क्रिप्ट हिंदी में तैयार की थी और हमारा ये लगातार स्ट्रगल था कि राजस्थानी में उस समय फिल्में उस तरह से आ नहीं रही थी और सरकारी इमदाद उस तरह से कोई करता नहीं था और हम चाहते भी नहीं थे कि कोई फिल्म जो है वो सरकारी इमदाद से खड़ी हो। और मेरे डायरेक्टर उदयपुर से थे और हम लोगों ने हमने ये फाइनली तय किया कि हम फिल्म जो है वो राजस्थानी में बनाएंगे। हम इस फिल्म को इसलिए राजस्थानी में बनाएंगे क्योंकि ये हमारी ज़मीन की कहानी है और ये हम लोगों की कहानी है, तो इसको हमें हमारी ही भाषा में कहना है। और उसको कहने के बाद, उस कहानी को बनाने के बाद हमारा स्ट्रगल बड़ा हुआ क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आपने फिल्म बना ली तो आपके सामने एग्जीबिटर नहीं है। जो मराठी में सरकार ने, आप मराठी सिनेमा दिखाना ज़रूरी कर रखा, अगर आप थिएटर नहीं दिखाएगा तो उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, 3 हफ्ते 2 हफ्ते उनका नहीं है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि जो पूरी उपेक्षा, जो पूरी भाषा, पूरा लिटरेचर, जिस तरह से जो पावरफुल लोग हैं, जो सत्ता है, वो राजस्थानी सिनेमा के साथ भी है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, बाई चाली सासरिये नाम की फिल्म को अगर आप किसी को, आप याद हो उसकी, मेरे ख्याल में मालचंदनी सारी भाषाओं में उसका रीमेक हुआ था, जिस तरह से आप साउथ की फिल्में बन रही हैं ऑलमोस्ट सब भाषाओं में, मतलब भोजपुरी में भी उस पर फिल्म बनी है और वो इतनी हिट फिल्म थी। उसके बाद तेज़ी से एक पूरी कोशिश की गई कि इस सिनेमा को ख़त्म किया जाए क्योंकि जो सिनेमा हमको दिखाया जा रहा था, आप याद करेंगे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, कितने लोगों ने राजस्थानी फिल्मों में गाने नहीं गाए और एक पूरी रिच परंपरा थी और हमको भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि उसको रिवाइव किया जाए। ठीक वैसे ही भोजपुरी रिवाइव हुई, भोजपुरी का एक बहुत रिच ट्रेडिशन रहा सिनेमा का और वो बाद में रिवाइव हुआ, जो कमर्शियली वाइबल हुआ। हमारे यहाँ जब हम राजस्थानी फिल्म को लेकर थिएटर वाले के पास जाते हैं वो किराया बढ़ा देता है, क्यों साहब? क्योंकि यार ये क्या है कि गाँव के लोग आते हैं तो थिएटर को गंदा कर देते हैं, सफाई में ज़्यादा पैसा लगता है। मतलब आप कैसे स्ट्रगल, मतलब आपको कैसे, आप ऐसा कर सकते हो कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हिंदी की टिकट आपकी नहीं बिक रही है फिर भी आप उसका सिनेमा लगाते हो, हम लोग कहते हैं हमारी ऑडियंस आ रही है आप हमारा सिनेमा नहीं लगाते हो। ये स्ट्रगल हमने लगातार किया और इस स्ट्रगल में हमको पहली बार, हमने जब पूरा किया पहली बार किसी मल्टीप्लेक्स में हमने राजस्थानी फिल्म लगाई ये स्ट्रगल करते हुए। और जिस दिन हमारी फिल्म लगी थी, आप ताज्जुब करेंगे,
कि जिस जयपुर को हम सबसे कमजोर मान रहे थे कि ये अर्बन पॉपुलेशन है, यहाँ लोग कम पसंद करेंगे राजस्थानी फिल्म, और हमारा तो शायद जोधपुर में चलेगी, उदयपुर और सीकर और ये सारे सेंटर्स पे चलेगी, आप ताज्जुब करेंगे, जयपुर का कलेक्शन हमारा हाईएस्ट था। और उस दिन 4 फिल्में हिंदी की रिलीज हुई थी, आईनॉक्स हमको स्क्रीन नहीं दे रहा था, और जो ही 4 फिल्में रिलीज हुई उनकी फिल्म देखने वाले नहीं थे, उनकी कोई टिकट नहीं बिक रही थी उस समय, उनकी टिकट नहीं बिक रही थी, हमारी लोग फिल्म टिकट लेके देख रहे थे। तो और उसके बाद आईनॉक्स ने जिस आईनॉक्स को हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमको जो है वो आप थिएटर दीजिए, उन्होंने चला के हमसे कहा कि जब आप अगली बार आप फिल्म बनाएं तो आप हमसे सबसे पहले अप्रोच कीजिएगा। उस फिल्म ने ये रास्ता खोला कि अब जब भी राजस्थानी फिल्म आती है, वो कैसी आती है, क्या आती है, वो एक लंबी लड़ाई है, लेकिन आज मल्टीप्लेक्स वाला जो आदमी है वो इनकार नहीं करता है, वो फिल्म लगाते हैं, किराया नहीं लेते हैं। ये सिलसिला हमने स्ट्रगल करते हुए शुरू किया, और उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि वो लड़ाई वो मेरी जनरेशन ने राजस्थान में देखी है। आप सब लोग जो अभी बीच में थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, या जो उन समाजों के लोग हैं, उन लोगों को एक से अधिक भाषाएं आती हैं, अमेरिकन को नहीं, ये भाषाएं आना हमारी कोई वो नहीं, हमारी मजबूरी है। हमको 10 साल एक लैंग्वेज सीखने में लगते हैं, मैं मेरी जनरेशन से 10 साल पीछे हूँ, क्योंकि मेरे पे हिंदी सीखने का, मेरे पे अंग्रेजी सीखने का इतना ज़्यादा दबाव था कि मैं पीछे हूँ, जो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेरे पूरे आत्मविश्वास पे हमला किया आपने, क्योंकि आपने मेरी भाषा में मुझे एजुकेशन नहीं दी। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मुझे नहीं लगता, मेरे से इत्तेफाक रखेंगे आप लोग, कि हमको हिंदी में पढ़ाया गया, और हिंदी का शिक्षक भी राजस्थान से नहीं होता था। कोई हिंदी शिक्षक राजस्थानी नहीं होता था, हमारे सारे शिक्षक यूपी से होते थे, ये होते थे, और आज वो सब जब राजस्थान में स्थापित हो गए तो वो हम पे सबसे ज़्यादा हमलावर है। अब वो सब कुछ, उनका समाज, उनका परिवार सब राजस्थान में है, और वो लोग हैं जो खड़े होकर राजस्थानी की मुखालफत करते हैं, हमारे लिए, हमारे खिलाफ बोलते हैं कि आपकी कोई भाषा नहीं। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक शाम बैठे थे और उन्होंने अपने स्कूल जीवन का किस्सा सुनाया, वो यूपी के शिक्षक थे, और सुनाते सुनाते उन्होंने जब उसको चुटकुलेबाजी और उस तरह से आए, जब उनको कहने का ये आया कि मज़ा उनको इस लैंग्वेज में आएगा, तब उन्होंने राजस्थानी बोली। तो राजस्थानी बोली तो मैंने तुरंत उनको कहा, मैंने कहा गुरु जी आप वैसे तो बड़ा विरोध करते हैं, और आप जब को किसी चीज़ को बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करना तो आप राजस्थानी कह रहे हैं, क्या हम हिंदी में इस चीज़ का मर्म नहीं समझेंगे? जो चीज़ आप जो हिंदी में जो चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं उसको आप राजस्थानी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो FM स्टेशन है अभी, जो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि FM स्टेशन जो है उन्होंने अभी एक राजस्थानी का स्लॉट शुरू किया, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, ये जयपुर में शुरू हुआ है, मैंने उसके खिलाफ़ चिट्ठी लिखी स्टेशन हेड को, रेडियो मिर्ची की, कि यार वो जो कैरेक्टर है ना राजस्थानी वाला, वो विदूषक कैरेक्टर आता है। वैसे आप सारी बातें अंग्रेजी करोगे, ये जोकर जो है, जैसे आपने सरदार जी को जोकर में ले आए, जैसे देखते देखते वो तेज़ी से हमारे यहाँ क्यों, क्योंकि उसकी बात सुन के आपको मज़ा आ रहा है। तो मैं रेडियो मिर्ची पे छाजू, रेडियो FM पे, माई FM पे छाजू, रेडियो मिर्ची पे कालूराम साइबर कैफे, यस ये प्रोग्राम का नाम कालूराम साइबर कैफे, वो कालूराम को नाम भी वो ऐसा चुनेंगे बिल्कुल हिकारत वाला। तो ये जिस तरह से अर्बन एलिट्स की जो एक नज़रिया है देखने के प्रति, वो जो लड़के हैं जो वो कोई कहीं से आके स्टेशन हेड बन गया कहीं से, और वो जो मजाक की तरह से भाषा को इस्तेमाल करते हैं, हम कॉन्स्टेंट उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारी हमारी भाषा की जो ताकत है, हमारी जब वो हमारा कॉन्फिडेंस है,